अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश रहें। तो अभी ये संडे का दिन था, हम आइकिया गए थे। बेसिकली हमें एक दो चीज़ें चाहिए थी तो वो लेने के लिए गए थे। तो अभी यहाँ आप ज़रा ये बेडरूम देखें, ये ब्लैक की थीम के साथ है, यानी कि इसमें जो जितना भी इन्होंने फर्नीचर सेटअप किया हुआ है वो सारा ब्लैक में है, जिसमें कि आपको ये नज़र आ रहा होगा मिरर वगैरह है, थोड़ा बेड पे भी इन्होंने टेक्सचर दिया है। और उसमें ये जो प्यारे लग रहे थे ये पिलोज थे, सॉरी कुशंस, ये जो फ्लावर पैटर्न वाले कुशंस हैं ये वाले, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बाद हम आ गए किचन वाले एरिए में, तो उस पर ये देखें ये प्लेट, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों से थोड़ी सी हट के थोड़ी डिफरेंट लगती हैं, तो कुछ अच्छा था। और वैसे भी आप आइकिया में जाएं तो हर चीज़ ही प्यारी लगती है, दिल करता है ये भी घर ले जाएं, ये भी घर ले जाएं, कुछ ऐसा होता है। और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे बच्चे लग रहे थे, उनके हाथ में पेंसिल और उन्होंने वो लीफ लेफ्ट उठाए हुए थे और वो लिखते जा रहे थे चीज़ों को। ये देखिए आप ज़रा इनकी, आ चुके हैं आइकिया से वापस और काफ़ी टाइम हो गया आए हुए आइकिया से। तो अभी खाना है रेडी बिल्कुल, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बनाए, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, और एक प्लेन बनाए जो कि बच्चों के लिए है, और उसके साथ फ्राइज जी। तो खाना बिल्कुल रेडी है, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, एंड आफ्टर खाना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आइकिया से क्या लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें लेके आई हूँ बेसिक सी जिनकी ज़रूरत थी, कोई ख़ास इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। बेसिकली मुझे सिर्फ बाउल चाहिए थे जो मैं बच्चों के सुबह नाश्ते के लिए सीरियल्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे लेने थे। लेकिन जब जाएँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें साथ आ जाती हैं, ऐसा तो नॉर्मल है, होता है। तो बस कुछ तीन चार चीज़ें उसके साथ एक्स्ट्रा आ गई थी, तो खैर घर में आई हैं तो अभी लगता है कि हाँ उनकी ज़रूरत थी। वैसे मैं बोल रही थी कि ये एक्स्ट्रा लेनी है मैंने, लेकिन अभी जब वो घर आ गई हैं तो अभी बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे इनकी तो हमें ज़रूरत थी, ये तो हमें चाहिए थी, कुछ ऐसा हिसाब है। खैर ऐसा तो चलता रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो अभी खाना बिल्कुल रेडी है, प्लेन वाला पिज़्ज़ा आई थिंक रेडी हो गया, उसको भी निकालती हूँ और वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ओके जी, तो ये रहा प्लेन पिज़्ज़ा। तो आप बोलेंगे प्लेन पिज़्ज़ा बोल रही हूँ, लेकिन ये प्लेन नहीं है। अच्छा ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने बेसिकली सॉस लगाई थी और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है, लेकिन फिर मेरे पास चिक पीस पड़े हुए थे ब्लैक वाले, जिनका हमने कल सालन बनाया था, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ नया ट्राई करने की गर्ज में थोड़े से चने इसके ऊपर डाल दिए। पता नहीं कैसा टेस्ट है, लेकिन ट्राई करते हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं। ये रहा हमारा वेजी पिज़्ज़ा, प्लेन कम चिक पीस पिज़्ज़ा एंड फ्राइज रेडी। तो अभी मैं खाना अंदर लेके जा रही हूँ, तो फिर बाद में मिलते हैं। ओके, तो अभी खाना वगैरह सब सारे खा चुके हैं। तो जो चीज़ें मैं लेके आई थी उसमें ये कुकिंग स्पून थी, ये मुझे चाहिए थी, तो ये मैं लेके आई थी। इसका टैग गायब है क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। फिर था ये ब्रश, ऑयलिंग और पेस्ट्री ब्रश, ये फिर ये थे मेजरिंग स्पून है इसमें, आई थिंक दिस वन, ये हाफ कप के लिए, नीचे वाला जो बड़े वाला है ये टेबल स्पून, टी स्पून, एंड ये जो है ये 1/4 से भी थोड़ा कम है, ये जो छोटे वाली है
बेसिकली पिंच वगैरह जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी इतना ही है। तो ये मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून जो भी है, और बेसिकली जो मैं चीज़ लेने गई थी वो बाउल्स थे नाश्ते के लिए, तो मैं एक ये लेके आई हूँ, प्लेन वाइट है। वाइट अच्छे लगते हैं, लाइक आप इन्हें कभी किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़ा डीप भी है, अंदर से काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा है ये। तो एक ये बाउल था, दूसरा ये है, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके ऊपर ये थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है, ये ऐसे थोड़ा सा, यानी ये कर्ल टाइप कुछ अप एंड डाउन ये बना हुआ है। ये बिल्कुल प्लेन है कुछ ऐसे, इसका इसका जो है ना डिज़ाइन वो कुछ ऐसे लगते, जैसे वो सालन वाला बाउल होता है जिसमें आप नॉर्मली सालन वगैरह डालते हैं, वैसे लगता है, वैसे बना हुआ है। और फिर मैंने ली थी ये वाली, ये डिशेस मुझे चाहिए थी, ये प्लेन, ये आई थिंक 50p ईच है, ये वाली जो डिश है 50p ईच है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो ये प्लेन वाइट है, ये अच्छी है, आप इसको नॉर्मली लाइक घर में अच्छी से ही अच्छी यूज़ करने के लिए। तो ये मैं लेके आई थी 6, क्योंकि मेरे पास जो मैंने पहले ली थी उसमें सिर्फ एक रह गई है, बाकी सारी टूट गई हैं। तो ये लेके आई थी, तो बस यही शॉपिंग थी बेसिकली। मैंने आगे आगे भी बताया आपको कि इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था बेसिकली, तो मुझे ये बाउल चाहिए थे, लेकिन जब जाओ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा साथ तो आता ही है। तो है सारी ज़रूरत की बेसिकली चीज़ें हैं। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको, और स्पेशली प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।